like that, how he cared about me, my family, my mother, especially my mother. The way he loves my mother, that fascinates me. एक उनका लर्निंग नेचर है, वो इस एज में भी सीखते रहते हैं, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थे इन टर्म्स ऑफ इन एजुकेशन, बट स्टिल ही इज लर्निंग मल्टीपल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, मल्टीपल न्यू टेक्नोलॉजी, और हमसे पूछ के भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। पापा के बारे में ऑफकोर्स एक चीज़ बहुत पसंद है, वो जिस तरीके से मेरा केयर करते हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। लाइक मैं उनसे कुछ भी बोलूँ तो उनका ना नहीं होता, हमेशा वो मेरे करियर को लेके, मुझे लेके, हमेशा वो मेरे लिए सपोर्टिव ही रहे हैं। मेरे फादर को मतलब सिंगिंग बहुत पसंद है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं मेरे पिताजी। उनको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, सीखना उनको बहुत पसंद है। पापा की फेवरेट हॉबी है वो जब पेशेंट्स देखते हैं, एक्चुअली डॉक्टर हैं तो उनको वही देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। उनका फेवरेट फूड आलू के पराठे हैं, मेरा और पापा का फेवरेट फूड आलू के पराठे हैं। उनको खोया पनीर पसंद है और स्वीट्स। उनकी फेवरेट फूड भिंडी की सब्जी, दाल बाटी चूरमा। अभी जो टाइम है वो है, हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो अभी कर सकते हैं, बिकॉज टाइम नेवर स्टेज, इट गोज ऑन। बेटा करियर तो चलता रहेगा, खुद के मेंटल हेल्थ को सफर करवाना ठीक नहीं है। मैं इंस्पायर इस चीज़ को लेकर के हूँ कि उन्होंने कभी हार मानना मतलब नहीं सीखा लाइफ में, मतलब जैसे उन्होंने बहुत मेहनत करी है तो वो हमको इंस्पायर करता है कि हम भी उसी तरीके से आगे बढ़ के मेहनत करें और आगे बढ़े लाइफ में। पापा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, आप ये मत सोचा करो कि हम मम्मी का ज़्यादा साथ देते हैं। एंड आई लव यू अ लॉट। आई हैव नेवर सेड हिम आई लव यू और आई एडमायर यू अ लॉट बिकॉज यू आर माय सुपर हीरो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, बट आई फील इट एंड आई मीन इट। इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको बता दो, ही विल गिव द सॉल्यूशन। आपको इतना सही कहना चाह रहा था कि आप जिस तरीके से सारे पेशेंट्स की केयर करते हो, उनका ध्यान रखते हो, तो आप खुद का भी उसी तरीके से ध्यान रखा करो, तभी सारे पेशेंट्स की केयर कर पाओगे आप भी। आपको खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। सही बात है। कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। तो मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ कि थैंक यू आपने जो आज तक मुझे सिखाया उन सब के लिए, और आई लव यू। I love you, Papa. Huh? I love you. अच्छा, love you. आपको भी.